आप देख रहे हैं साधना और समाधान। भूत प्रेत की बुरी शक्ति का वंदन चाहे आपके शरीर के ऊपर है या फिर आपके घर में है किसी भूत प्रेत की बुरी शक्ति का वंदन, तो आप भी माता मदानन जी के इस उतारे को करें केवल एक ही बार, तो हर भूत प्रेत का जो भी कोई बंधन होगा आपके शरीर के ऊपर या फिर आपके घर में, तो तुरंत उसका निवारण हो जाएगा इस उतारे के द्वारा। तो क्या है माता मदानन जी का ये उतारा, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से पहले काफ़ी माता मदानन की शक्तियों की जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ कि माता मदानन जी की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे इनकी शक्तियाँ काम करती हैं और कैसे आप माता मदानन जी के मंत्रों से आप साधना सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे आप इनके मंत्रों के द्वारा वशीकरण शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ब्लैक मैजिक की काट को कर सकते हैं, क्योंकि माता मदानन जी के काफ़ी नाम हैं और अलग अलग इलाके में जैसा भी कोई गांव होता है या कोई देश होता है तो अलग अलग नामों से माता मदानन जी की पूजना होती है, वासड़िया वगैरह माता रानी का पूजा जाता है घर घर में। और इसके अलावा ये जो देवी है तो काफ़ी स्थानों के ऊपर इसका लुभा भोग प्रसाद भी दिया जाता है, जैसे चौगान में, कलरों में, थानों में, मैदान में और माता रानी के मंदिरों में। उसी हिसाब से ही माता रानी के नाम है, चौगान वाली, कलरों वाली, थानों वाली, चौराहे वाली। जहाँ जहाँ पर माता रानी का भोग प्रसाद दिया जाता है तो वैसे ही माता रानी के नाम भी हैं और बड़ी सरलता से ही माता रानी प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों के दुखों का निवारण करती है एक कच्ची लस्सी के केवल लोटे के द्वारा ही। जैसे भोलेनाथ सावन के महीने में प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही एक कच्ची लस्सी के लोटे से ही माता मदानन जागृत हो जाती है और अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करती है। तो अगर आपके घर में है किसी भूत प्रेत का बंधन या फिर आपके शरीर के हो है ऊपर कोई बंधन किसी भूत प्रेत का, तो उसके लिए इस उतारे को आप नोट कर लें। तो इसके लिए आपने दो लड्डू लेने हैं बूंदी वाले और साथ आपने लेने हैं मीठे बतासे। माता मदानन जी का यह जो उतारा है इसको करने के लिए, तो जो यह दो लड्डू हैं और ये जो सात बतासे हैं इनके ऊपर एक एक काजल का टीका लगाना है जो आंखों में डालने वाला होता है, और एक एक सिंदूर का, लाल वाले सिंदूर का एक एक टीका आपने लगाना है। जो ये दो लड्डू हैं, दो लड्डू के ऊपर भी लगाना है और सात मीठे बतासों के ऊपर भी लगाना है। और इसके साथ आपने दो राख की पिन्नी लेनी है, गोबर के कंडे, गोबर के उपले को जलाने के बाद जो राख होती है उस राख में थोड़ा सा पानी डाल लें और उसकी दो छोटी छोटी सी पिन्नी आपने बना लेनी है, क्योंकि जो भी कोई घोर विद्या के द्वारा कोई भूत प्रेत का बंधन होगा तो उसका भी निवारण हो जाएगा इस उतारे के द्वारा। और इसके साथ आपने एक कच्ची कढ़ाई, एक ठंडी कढ़ाई भी इसको बोलते हैं और कच्ची कढ़ाई बोलते हैं, वो आपने कैसे तैयार करनी है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत का कोई बंधन है तो एक छोटी सी किसी प्लास्टिक की कटोरी में या किसी डोने में थोड़ा सा एक दो चम्मच सरसों के तेल के डाल देने हैं। वह व्यक्ति जिसके ऊपर भूत प्रेत का बंधन है वह अपनी छाया उसमें डाले, उसके बाद उसमें दो चम्मच गेहूं के आटे के डाल देने हैं, थोड़ी सी उसमें आपने शक्कर डाल देनी है, सरसों के तेल में गेहूं का आटा और उसके बाद थोड़ी सी शक्कर, उसके बाद उसमें पानी डाल लेना है, उसको कच्ची कढ़ाई ऐसे उसका एक घोल तैयार कर लेना है। और इसके साथ जो एक और चीज़ है, एक कच्ची लस्सी, एक दो चम्मच कच्चे दूध के, और उस दूध में आपने पानी मिला लेना है, उस बर्तन को उसके बाद पानी से भर लें, एक चुटकी शक्कर की आपने डाल लेनी है मीठी कच्ची लस्सी। तो ये जो सामग्री है, जो ये राख की पिन्नी और ठंडी कढ़ाई, दो लड्डू, सात बतासे और ये जो कच्ची लस्सी है, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत का बंधन है
थोड़ी सी अग्नि के ऊपर आप सरसों के तेल की हूती डाल दें, गोबर के कंडे गोबर के उपले को जलाने के बाद अंग्यारी तैयार कर लें, या कपूर की टिकिया को जलाने के बाद अंग्यारी तैयार करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल आपने डाल लेना है। उसके बाद उसके ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉक वाइज, जो सारी सामग्री है, जो कच्ची लस्सी है, सभी को आपने उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक वाइज वार लेना है। अगर घर में कोई भूत प्रेत का बंधन है, पूरे घर में इसको घुमा दें, जितने घर के कमरे हैं फ्लश वॉशरूम में नहीं लेकर जाना, और जितने घर में व्यक्ति हैं सभी के ऊपर से इसका उतारा आप कर सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज 7 बार वार दें। और अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बंधन है, केवल एक व्यक्ति के ऊपर ही, तब आप उसके ऊपर से भी 7 बार एंटी क्लॉक वाइज वारने के बाद, जहाँ पर माता मदानन जी के थान बने हुए होते हैं, माता रानी का जिस भी गांव में देखो, जैसे भी स्थान होते हैं, चाहे माता शीतला का मंदिर हो तो वहाँ पर भी चढ़ा सकते हैं, माता मदानन के मंदिर में दरबार में जाकर ये सारी सामग्री आप चढ़ा कर आ जाएँ। और वह जो कच्ची लस्सी है, मीठी कच्ची लस्सी, किसी बर्तन में डालकर जो आप लेकर जाएंगे उसको भी वहीं पर आपने अर्पण कर कर आ जाना है। या इसके अलावा जो माता रानी के स्थान हैं खुले में, कलर में, मैदान में, चौगान में, चौराहे में, तो इन स्थानों के ऊपर भी आप माता रानी का ये भोग दे सकते हैं, किसी बहती नदी के किनारे भी ये भोग दे सकते हैं, किसी भी दिन दे सकते हैं, रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए। तो जैसा भी कोई भूत प्रेत का कोई बंधन है, कोई घोर विद्या के द्वारा या अगर कोई बंधन होगा घर में, तो तुरंत निवारण हो जाएगा, हर नेगेटिविटी की काट हो जाएगी इस उतारे के द्वारा, क्योंकि वह जो काट करेगी माता मदानन, माता चौराहे वाली की ये जो शक्ति है। आप एक बार इस उतारे को कर कर देखें तो एक चमत्कार के रूप में आपको माता मदानन जी अपनी शक्ति के द्वारा आपको रिजल्ट दिखाएगी। अगर ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, गुरु जी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन मन चाहा वशीकरण करवाने के लिए, आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु जी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।